back. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं निमरा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कनाडा में पाकिस्तानी नजाद खानदान के 4 अफराद को गाड़ी से कुचलने वाला दहशतगर्द करार। कनाडा की तारीख में पहली बार किसी मुकदमे में दहशतगर्दी के कानून का इतलाक किया गया है। लवाहिकीन का कहना था कि आज की सजा से करीब और दूर के लोगों को राहत मिली है। नेटो से किए गए वादे पूरे करने के लिए कनाडा पर दबाव पड़ने लगा। अमरीकी नेटो एलची का कहना है कि कनाडा दीगर इत्तेहादियों की तरह दिफाई अखराजात के हदफ को पूरा करे। कनाडा को ठोस मंसूबे बनाने की ज़रूरत है। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए खसूसी फॉग एडवाइजरी जारी। वीकेंड पर टोरंटो का मौसम सर्द रहने का इम्कान। इतवार के रोज़ शहर में हल्की बारिश का भी इम्कान है। अमरीकी सदर के गाली देने पर रूसी सदर का मायने खैज जवाब। प्योतिन का कहना था कि अमरीका के लिए यही बेहतर होगा कि बाइडन दोबारा सदर मुंतखब हो जाएं। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना था कि बेहुदा जबान इस्तेमाल करने वालों का दुनिया में वक़ार कम होता है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। वेलकम बैक। कनाडा के सूबे ओंटेरियो के शहर लंदन में पाकिस्तानी नजाद खानदान के 4 अफराद को जानबूझकर अपनी गाड़ी के नीचे कुचलने वाले नथानियल वेल्चमैन को दहशतगर्दी का मुजरिम भी करार दे दिया गया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबे ओंटेरियो के शहर लंदन में पाकिस्तानी नजाद खानदान के 4 अफराद को जानबूझकर अपनी गाड़ी के नीचे कुचलने वाले नथानियल वेल्चमैन को दहशतगर्दी का मुजरिम भी करार दे दिया गया है। सुपीरियर कोर्ट के जस्टिस रैनी पोमेंडर्स ने कमरा अदालत से कहा, मैंने मुजरिम का नाम ना लेने का इंतखाब किया है और ना ही वो नफरत आमेज बयान सुनाने का इंतखाब किया है जो उसने पुलिस के साथ या अपने मंशूर में शेयर किए हैं। उसकी वजह यह है कि उसके इकदाम दहशतगर्दाना सरगर्मी की तशकील करते हैं। वेल्चमैन को नवंबर 2023 में पहले ही सलमान अफजाल, उनकी अहलिया मदीहा अफजाल, बेटी यमना अफजाल और वालिदा तलत अफजाल के कत्ल और एक कम सिन बेटे के इकदाम कत्ल का मुजरिम करार दिया जा चुका है, जिसके तहत उसे पैरोल के बगैर 25 साल उम्र कैद की सज़ा काटना पड़ेगी। 23 साल सफ़ेद फाम इंतहा पसंद नथानियल वेल्चमैन ने जून 2021 में सलमान अफजाल और उनके अहल खाना पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी। जब हक होने वाले 46 साल के सलमान फिजियोथेरापिस्ट थे, जबकि उनकी 44 साल बीवी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी लंदन में PhD स्कॉलर थीं और सलमान की 74 साल की वालिदा पाकिस्तान से विजिट वीजे पर कनाडा आई थीं। वाकई में सलमान की 15 साल की बेटी भी जाबहक हुई, जबकि एक बच्चा जख्मी हुआ था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कनाडा की तारीख में पहली बार किसी मुकदमे में दहशतगर्दी के कानून का इतलाक किया गया है। समात के बाद अफजल खानदान के लवाहकीन ने बयान जारी किया। लवाहकीन का कहना था कि आज की सजा से करीब और दूर के लोगों को राहत मिली है।
दहशतगर्दी का अहदा इस नफरत को तस्लीम करता है जिसने उस आग को हवा दी, वो बदसूरती जिसने तलत, सलमान, मदीहा और यमुना की जानें ली, लेकिन ये नफरत किसी खला में मौजूद नहीं थी। ये सरगोशियों, तासुबात, मामूल के खौफ में परवान चढ़ती है। अमरीकी नेटो एलची का कहना है कि कैनेडा को नेटो के दिफाई अखराजात के वादे को पूरा करने के लिए एक ठोस मनसूबे की ज़रूरत है। कैनेडा के दिफाई अखराजात नेटो के GDP के इज्तमाई अज़म के 2% से बहुत कम हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी नेटो एलची का कहना है कि कनाडा को नेटो के दिफाई अखराजात के वादे को पूरा करने के लिए एक ठोस मंसूबे की ज़रूरत है। कनाडा के दिफाई अखराजात नेटो के GDP के इज्तमाई अज़म के 2% से भी बहुत कम है। वफाकी हुकूमत को दिफाई अखराजात के हवाले से नए दबाव का सामना है क्योंकि अमरीका ने कनाडा पर जोर दिया है कि वो नेटो के इत्तेहादी के तौर पर अपने वादों को पूरा करने के लिए ठोस मंसूबा तैयार करे। कनाडा के दिफाई अखराजात दिफा पर अपनी मजमूई घरेलू पैदावार का 2% खर्च करने के वादे से बहुत कम है। जैसे जैसे मजीद इत्तेहादी हदफ को पूरा करते हैं, कनाडा पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो पीछे रहना बंद कर दे। अमरीकी मुस्तकिल नुमाइंदे ने कहा कि कनाडा अब सिर्फ 1.3% से ऊपर मंडला रहा है और उसके पास इस 2% तक पहुँचने का कोई ठोस मनसूबा नहीं है, जबकि दूसरे इत्तेहादियों ने इस साल नहीं तो अगले चंद सालों में वहां पहुंचने के मंसूबे बनाए हैं। एक इंटरव्यू में अमरीकी नेटो एलची का कहना था कि वो टाइमलाइंस और वो मंसूबे अहम हैं क्योंकि ये मुश्तरका अज़म को जाहिर करता है और ये इरादे को जाहिर करता है। यहाँ नेटो इत्तेहाद के अंदर यकीनी तौर पर वापस वाशिंगटन में हम कनाडा में अपने दोस्तों की हौसला अफजाई करते हैं कि वो इस 2% वादे को पूरा करने के लिए कोई ठोस मंसूबा तैयार करें। इस हफ्ते के शुरू में नेटो के सेक्रेटरी जनरल जीन्स स्टोल्टनबर्ग ने वफाकी हुकूमत पर जोर दिया कि वो अपने दिफाई अखराजात के वादे को पूरा करने के लिए एक टाइमलाइन फराहम करे। नेटो के इत्तेहादियों ने 2014 में वादा किया था कि वो 2024 तक दिफाई अखराजात को GDP के 2% तक ले जाएंगे। कनाडा उन इत्तेहादियों में शामिल नहीं है। 2023 में कनाडा ने दिफा में GDP का तखमीना 1.38% सरमायाकारी की और दिफाई अखराजात के लिहाज से खुद को 30 इत्तेहादियों में से 25वें नंबर पर रखा। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए खसूसी फॉग एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि धुंध में 0 के करीब हद निगाह मुतवक्के है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए खसूसी फॉग एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि धुंध में 0 के करीब हद निगाह मुतवक्के है। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि ऑन्टेरियो झील के साहिल के करीब मुकामी तौर पर घनी धुंध फैल गई है और तवक्को है कि यह ख़त्म होने से पहले जुमे की सुबह तक जारी रहेगी। हद निगाह कम होने की वजह से सफ़र के ख़तरनाक होने की तवक्को है। अगर गाड़ी चलाते वक्त हद निगाह कम हो जाती है तो रफ्तार कम करें, आगे टेल लाइट सेखें और रुकने के लिए तैयार रहें। दूसरी जानब हफ्ते का अख्ताम टोरंटो में मौसम के लिहाज से खुशगवार नोट पर होगा जिसका दर्जा हरारत 6 सेंटीग्रेड के आसपास होगा, जबकि ये हफ्ते के रोज़ मुंजमद होने से नीचे गिर जाएगा। इसके इर्द गिर्द धूप की काफ़ी मिकदार होगी जिससे हफ्ते के आखिर में एक शानदार आगाज़ करना चाहिए। चंद दिनों के खस्ताहाल मौसम के बाद ऑन्टेरियो और क्यूबैक हफ्ते के आखिर तक दर्जा हरारत में कमी की तवक्को कर सकते हैं। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक इस वीकेंड पर टोरंटो का मौसम सर्द रहेगा जबकि इतवार के रोज़ शहर में हल्की बारिश का भी इम्कान है। इस वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जा हरारत हफ्ते की रात -8 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत इतवार के रोज़ 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। अमरीकी सदर जो बाइडन के गाली देने पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मायने खैज जवाब दे दिया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर जो बाइडन के गाली देने पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मानी खेज जवाब दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका के सदर बाइडन ने कैलिफोर्निया में तकरीब से खिताब करते हुए रूस के सदर पुतिन के लिए नामुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। व्लादिमीर पुतिन से जब सहाफ़ी से इस मुतल्लिक सवाल किया तो वो बोले कि बाइडन के अल्फाज ये साबित करते हैं कि अमरीका के लिए यही बेहतर होगा कि बाइडन दोबारा सदर मुंतखब हो जाएं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर की तरफ से किए गए तबसरों के जवाब में तर्जुमान क्रिमलिन दमतरी पेस्कॉफ ने कहा कि अमरीकी सदर की जानिब से किसी दूसरे मुल्क के रहनुमा के खिलाफ ऐसी जबान के इस्तेमाल से सदर पुतिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता ऐसी जबान इस्तेमाल करने वालों का दुनिया में वक़ार।